children, I am Ketan Makwana, your EVS teacher. Today I am going to learn you the first chapter, Poonam's Day Out. हमारा यह जो लेसन है, बच्चों को अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करने की सीख देता है। बच्चे अपने आसपास के एनवायरनमेंट से बहुत कुछ सीखते हैं। So let's see the lesson Poonam's Day Out. Ma, please let me go to school today. I have been at home for the past 2 days. यहाँ पे पूनम होती है वो अपनी माँ से बोलती है कि माँ प्लीज मुझे स्कूल जाने दो, मैं पिछले 2 दिनों से घर पे हूँ। I am getting bored, said पूनम। मैं यहाँ पे बहुत बोर हो रही हूँ, पूनम ने कहा। But you still have fever. Go outside and lie down on the cot, replied माँ। लेकिन तुम्हें अभी भी फीवर है, जाओ वहां जाके खटिए पे सो जाओ, उसकी माँ ने बोला। Here we write some new words. Frog,
के जो एनिमल्स दिखते हैं यहाँ पे आपको, गॉड है, टर्टल है, बफेलो, फ्रॉग, उसकी तरह आप एक्ट कर सकते हो. विच एनिमल मेक्स व्हाट काइंड ऑफ साउंड एंड मूवमेंट्स, कौन से एनिमल्स किस तरह के साउंड यानी कि आवाज करते हैं और उनकी मूवमेंट क्या होती है. ट्राई टू मेक सिमिलर साउंड्स, आपको घर पे क्या करना है कि ये जो एनिमल्स है उनकी तरह मूवमेंट करना है या तो फिर उनकी तरह आवाज निकालनी. डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अलग अलग तरीके जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पे अपनी मूवमेंट करते हैं. सम एनिमल्स वॉक, सम क्रॉल, सम फ्लाई एंड सम स्विम. कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, वो हमारी तरह चलते हैं, कुछ रेल के चलते हैं, कुछ फ्लाई करते हैं और कुछ स्विम करते हैं. फॉर दिस सम एनिमल्स यूज देयर फीट, इसके लिए एनिमल्स क्या करते हैं अपने फीट का यूज करते हैं. सम यूज देयर विंग्स, फ्लाई करने के लिए प्रॉपर क्या करते हैं वो अपने विंग्स का यूज करते हैं. सम एनिमल्स इवन टेक द हेल्प ऑफ देयर टेल, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जो अपनी टेल का भी यूज करते हैं. ऐसे एनिमल्स कौन से पता है आपको? यस, दोज आर फिशेस. यू मस्ट हैव सीन मेनी एनिमल्स टू राइट विच ऑफ देम, आपने और भी बहुत सारे एनिमल्स देखे होंगे. यहाँ पे आपको कुछ और नाम लिखने, कैन फ्लाई, विच एनिमल्स कैन फ्लाई, बर्ड्स, यस पैरट, क्रो, स्पैरो कैन फ्लाई, कैन क्रॉल, जो रेल के चल सकते हैं ऐसे एनिमल्स कौन से, स्नेक, क्रोकोडाइल एंड लिजर्ड, कैन वॉक, वॉक कौन करते हैं मतलब कि चलते कौन है, काउ, गॉड एंड कैमल, कैन हॉप, हॉप मींस कूदना, जंप करना, जंप करके कौन चलता है तो रैबिट, किंगफिश, कैंगारू एंड फ्रॉग. हैव विंग्स, विंग्स किसको बोलते हैं, तो ऑल द बर्ड्स हैव विंग्स, तो ईगल, पीकॉक एंड डॉग. हैव फीट, फीट मतलब हमारे जो पैर होते हैं वो किसको होते हैं, तो एनिमल्स दोज आर फॉक्स, टाइगर एंड फॉक्स. हैव अ टेल, पूंछ किसको होती है, लायन, मंकी, एलिफेंट, मींस ऑल द एनिमल्स हैव टेल. एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस, some animals live in the trees, some in water, some live on a land, some live under the ground and some fly in the sky. Some animals even live in our houses, which animals live in our houses, yes pet, हमारे जो pet होते हैं, हमारे जो पालतू animals होते हैं वो हमारे घर में रहते हैं. कुछ animals होते हैं वो जमीन पे रहते हैं, कुछ ground के नीचे रहते हैं, कुछ होते हैं वो fly करते हैं और sky में रहते हैं, और कुछ होते वो हमारे घर पर भी रहते हैं. Here, look at the pictures given below. Color the animals that do not live in your house. यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो एनिमल्स आपके घर पे नहीं रहते उनको आपको कलर करना है. Here are some incomplete pictures of animals. Complete them and write their names below. यहाँ पे आपको कुछ एनिमल्स की पिक्चर दी गई लेकिन वो उनके बॉडी पार्ट वो कंप्लीट नहीं है तो आपको उसे कंप्लीट करना है. Who am I? Find my name in the crossword and put a circle around it. One example has been given. Banana is what I love eating. I spend my time jumping and flipping. यहाँ पे आपको पहला पजल दिया गया है, वहां पे क्या लिखा है कि मुझे बनाना खाना बहुत ही पसंद है और मैं पूरा दिन जंपिंग करता रहता हूं. Which animal is this? Yes, this is monkey. Second, on the walls, webs I weave, where insects sting and cannot live. मैं क्या करता हूँ कि वॉल के ऊपर अपने जाले बनाता हूँ जहां पे इंसेक्ट स्टिक हो जाते हैं और वो वहां से नहीं मिल सकते. कौन होगा ये? Do you know? Yes, it's spider. Third, I remain awake the whole night and go to sleep in broad daylight. मैं पूरी रात जगता हूँ और सुबह सोता हूँ. Who is it? Sorry, who is it? It's owl. Croak, croak, croak is my
आवाज है क्रॉप क्रॉप क्रॉप, मैं पानी में भी रहता हूँ और जमीन में भी मिलता हूँ. Who is it? It's frog. I appear after rainfall, have no feet, so I crawl. मैं रेनफॉल के बाद निकलता हूँ, मेरे पैर ने इसलिए मैं क्रॉल करता हूँ. It's snake. Slow and steady is my pace. I always win when there is a race. मैं स्लो हूँ और मैं हमेशा जब भी रेस होता है मैं जीतता हूँ. Who is it? It's tortoise. अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, वहाँ पे आपको फिंगर्स को कलर करना है और फिर उसे यहाँ पे चिपकाना है. Let's have some fun. This is the activities for you. You have to do at your home. Next, spend some time under a tree. Observe the animals carefully. Name the animals which can be seen. यहाँ पे आपको क्या करना है? ट्री को ऑब्जर्व करना है और वहां पे देखना है कि ऊपर आपको कौन कौन से एनिमल्स या तो फिर बर्ड्स दिखते हैं. ऑन द ब्रांचेस, आपको ट्री के ब्रांचेस मतलब डाले पे क्या क्या दिखता है? There is a monkey, sparrow and a crow. On the leaves, पत्ते पे क्या होता है? Grasshopper, butterfly और ladybug. On the trunk, trunk is उसका जो थर्ड होता है वो. वहाँ पे होती है ant, squirrel and owl. On the ground, जमीन पे क्या क्या होता है? Goat, dog and cow. Around the tree, tree के आसपास क्या होता है? Parrot, peacock and pigeon. Now, arrange these animals in the order of their size, smallest being the first. अब आपको यहाँ पे क्या करना है? ये जो आपने animals के नाम लिखे, उनको arrange करना है कैसे? छोटे से वहाँ पे start होगा. सबसे छोटी होती है ant, then ladybug, grasshopper, butterfly, sparrow, squirrel, owl, parrot, crow, pigeon, peacock, dog, monkey, goat and cow. Okay, our lesson is finished. Thank you.